नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने आज की इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। आशा नहीं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है चाय की खेती के लिए, तो कौन सी मिट्टी है चाय की खेती के लिए उपयुक्त, आपको ये बताना है। तो कौन सी मिट्टी है, तो ये मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हैजा रोग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है हैजा रोग, ये आपको बताना है। तो किसके कारण होता है हैजा रोग, तो ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है लोकसभा का विघटन, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, तो ये करवाया था अकबर ने। किसने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पेट्रोल इंजन में होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, तो इसमें होता है कार्ब्यूरेटर। क्या, कार्ब्यूरेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस अनुच्छेद में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 के का में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य भाषा संविधान के किस भाग से वर्ण संबंधित है। तो किस भाग से संबंधित है राज्य भाषा संविधान के, तो ये संबंधित है भाग 17 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्लूर किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है बेल्लूर, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है यांगची नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है, तो किस स्थान से हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंधित, तो इसका संबंध है भोपाल से। कहाँ पर, भोपाल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेतित करने के लिए किया करता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर, तो ये करता है अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है।
तो किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए? तो किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार ये आपको बताना है। तो किस कौन से भाग में? तो ये है भाग दो में। किसमें? भाग दो में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तमस के रचनाकार कौन है? तो कौन है तमस के रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं भीष्म सायनी। कौन? भीष्म सायनी तमस के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है उच्च ताप मापने के लिए? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती ये आपको बताना है। तो कौन सी नदी नहीं करती? तो ये जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो किसकी अधिकतम मात्रा चावल में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम मात्रा होती है चावल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया अस्पष्टता का अंत? तो ये किया गया अनुच्छेद 17 के तहत अस्पष्टता का अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो किससे है अनुच्छेद 360 का संबंध? तो इसका संबंध है वित्तीय आपात। किससे? वित्तीय आपात से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ? तो ये हीरा है, ये संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? तो किस सुल्तान ने की थी अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित देवगिरी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था मयूर तख्त को ये आपको बताना है। तो मयूर तख्त का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन? तो ये किया गया अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो किस संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन? तो ये है भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चीनी यात्री ह्यून सुआंग किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था चीनी यात्री ह्यून सुआंग भारत? तो ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया संविधान के भाग 3 में? तो ये किया गया मौलिक अधिकार का वर्णन
भाग 3 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक फसल रेशादार फसल नहीं है, तो कौन सी वो फसल है जो रेशादार नहीं है। तो ये जो अरहर फसल है ये रेशादार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हैजा रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है हैजा रोग, ये आपको बताना है। तो हैजा रोग का कारण है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं, तो किस प्रकार के कण हैं इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, कौन सी ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है, तो किससे है गृह शासन आंदोलन का संबंध, तो ये है बाल गंगाधर तिलक से। किससे, बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, तो ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था, तो किसके दरबार में आया था पुर्तगाली यात्री नूनिज, तो ये आया था अच्युत राय के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो क्या है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, ये आपको बताना। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है टेस्ला, क्या है टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो किस भाग से है संविधान संशोधन का संबंध, तो ये है भाग 20, कौन सा भाग 20, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।